बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जब हर तरह के फंगस, बैक्टीरिया, वायरस को पनपने का मौका मिल जाता है। आपका शरीर हमेशा थोड़ा थोड़ा सौगी सा रहता है, गीला रहता है। दूसरा, आपका जो सूखने की जो क्षमता है शरीर की, वो कम हो जाती है। और अगर कहीं आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर रहता है, तो चांसेस कि आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होगा बहुत बढ़ जाता है, जिसे आमतौर की भाषा में बाल तोड़ या बच्चों में जो खुजली एक तरह से हो जाती है, उसके चांसेस इस मौसम में बहुत बढ़ जाते हैं। कभी भी आपको लगता है कि लाल पस वाले दाने हो रहे हैं, एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल करें, उसको गर्म सिकाई करें, रुमाल को आप प्रेस करके बार बार उसको उस जगह पे रख सकते हैं, वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन को हटा देता है। लेकिन अगर तीसरी फुंसी के बाद दोबारा ये सब कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। देखिए, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप और आपकी बॉडी कंट्रोल कर लेती है, लेकिन अगर वो नहीं कंट्रोल कर रही है तो हमारा रोल सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों को, खासकर बच्चों और बूढ़ों को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके फैलने का डर रहता है। तो इन्फेक्शन होते ही अपना इलाज, अपनी सफाई ज़रूर करें, लेकिन कंट्रोल ना हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं।